बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा नहायत कीमती है, जिसका अंदाजा क्यामत के रोज होगा। सदका से बीमारी टलती है, परहेज फर्ज है और इलाज सुन्नत। सुन्नत के मुताबिक मामूली अमल हजारों नवाफल पर भारी होता है। आमलों की बजाय मुनासब दवा के साथ दुआ और कुरानी इलाज बेहतर है। खुद को किसी अल्लाह वाले के सुपुर्द कर देना बेहतरीन इस्लाह है। जो इंसान सबर करेगा, क्यामत के रोज उसको बेबहा अजर व सवाब अता किया जाएगा। सबसे अहम वजीफा दुआ है, जिसकी कबूलियत के लिए अहलियत शर्त नहीं। नदामत के दो बड़े आंसू बड़े बड़े गुनाहों को बहा ले जाते हैं। जरूरी बातों की वसीयत लिखकर रखना मौत की तैयारी करने का एक हिस्सा है। मौजूदा दौर में दीन की बका के लिए मदारस का वजूद बड़ी नेमत है। दुनिया की सबसे कीमती चीज कुरान पाक के अलावा और कोई चीज नहीं। नेक लोगों की सोहबत तुम पर फर्ज है, जिसमें दीन और दुनिया दोनों में फायदा है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। दौलतमंद बनना चाहते हो तो अपनी बीवी के गले में सूरह इखलास लिखकर लटका दो, फिर दौलत को आता देखो। खिलाफ शरीयत आमाल दुनिया अकारत और आखरत में वबाल हैं। अल्लाह ताला से सवाल करने में इज्जत और लोगों से सवाल करने में जिल्लत है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।